सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यदि हर शुभ दिन खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। आंखें भी खोलनी पड़ती है जलाने के लिए। केवल सूरज की किरणें से ही अंधेरा नहीं जाता, केवल सूरज के किरणों से ही अंधेरा नहीं जाता। जब दुनिया कहती है कि आप कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। आज का पंचांग 1 मई 2022 दिन रविवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 3:25 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 10:11 तक रहेगी। कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:14 से 6:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 4:55 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 1 मई 2022 दिन रविवार, आपका झुकाव आज कुछ हद तक आध्यात्मिकता की ओर रहेगा। आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या किसी तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं। प्रेरणात्मक साहित्य पढ़ें या किसी महान नायक की जीवनी पढ़ें। हो सकता है कि इसमें से आपको अपने जीवन के लिए कुछ बहुत अच्छा हासिल हो जाए। किसी गंभीर या कड़वी स्थिति से बचने की कोशिश करना ही बेहतर रहेगा। इसके स्थान पर दिमाग को शांत रखकर दिन बिताएं तो राहत महसूस होगी। किसी भी गतिविधि को सहज तरीके से करना जरूरी है, जल्दबाजी में नुकसान ही होता है। आज आपका समय अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने हेतु योजनाओं में व्यतीत होगा। इससे आपकी कार्य क्षमता और अधिक सशक्त होती है और उचित परिणाम भी हासिल होंगे। बेचैनी की वजह से आप खुद का नुकसान कर सकते हैं। जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको भावनात्मक ठेस पहुँच सकती है। केवल भावनाओं को महत्व देने की वजह से आपके द्वारा लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है। जब तक आप स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं करेंगे तब तक समस्या का हल प्राप्त नहीं होगा। करियर से संबंधित बातें प्रगति की ओर बढ़ रही है। किसी भी बात की वजह से करियर को नजरअंदाज ना करें। युवाओं को रिलेशनशिप से संबंधित बातें सता सकती है। शरीर में एसिडिटी बढ़ सकती है। गर्म और तले हुए पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। सावधानियां, किसी भी तरह के वाद विवाद अथवा बहस की स्थिति में पड़ने के बजाय उसे टालने का भी प्रयास करें। प्रॉपर्टी अथवा लेन देन संबंधित कार्यों को भी स्थगित रखना ही बेहतर होगा। कभी कभी आपका विचलित स्वभाव आपके लिए ही परेशानियां उत्पन्न कर देता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक व्यवस्था सुखद बनी रहेगी जिससे आप अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह ध्यान दे पाएंगे। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखना आवश्यक है। आज आप भावनात्मक रूप से आक्रामक मूड में हैं और ऐसा हो सकता है कि कोई भी काम या बात आपकी भावनाओं को भड़का दे और आप ऐसी प्रतिक्रिया दे बैठे जिसका कोई तुक ना बनता हो। आज आप छोटी छोटी खुशियों और किसी की सहायता को भी बड़ी बात मानेंगे। आपके पार्टनर को भी आपकी सॉफ्ट साइड दिखाई देगी। वैसे इस मूड में आप कभी कभार ही होते हैं। इससे आपके पार्टनर को आश्चर्य तो होगा लेकिन संबंध में मजबूती भी आएगी। बात करते हैं करियर की। आपने हाल फिलहाल इसीलिए धन खोया क्योंकि आपने अविवेकपूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृत तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाए। इस तरह की और परियोजनाएं आपके समक्ष आएगी लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अन्यथा आप वित्तीय परेशानी में फंस सकती हैं। आपको अपने निवेश के निर्णय चरणबद्ध तरीके से लेने हैं और विशेषज्ञों की राय के अनुसार आगे बढ़ना है। पर आपकी आदत है कि सिर्फ खाली प्रस्तुतिकरण एवं चमकती हुई चीज की तरह भाग पड़ते हैं, जो कि आपको छोड़नी है। कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत के जल्दी ही उचित परिणाम हासिल होंगे।
इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित रखें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी शुभ परिस्थितियां बन रही है। अपने बॉस व उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न होने दें। बात करते हैं सेहत की। आपकी अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधित किसी भी बात को गंभीरता पूर्वक लेने की रोड़ा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपने काम में उलझे होने के कारण जंक फूड खा रहे हैं। हालांकि काम का दबाव अभी हल्का होने वाला नहीं है, तभी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वास्थ्य कर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। आज का उपाय, आज आप बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।